गिर मत गिर मत। बस स्टीफन क्लाइन ऊपर ट्रैक चढ़ता हूँ, फिर ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। कैमरा की बैटरी भी लो हो चुकी है, ज़्यादा व्यू दे नहीं पाऊँगा। बेटर है कि मैं आपसे डायरेक्टली ऊपर जाकर मिलूँ। चल भाई, एक सुनते ही आप पावर आ गया। मुक्कम आहे इथून राजगडला मुक्कम नाही। तो ये है कुछ व्यू ऐसा फ्रॉम द टॉप ऑफ तोरनागढ़। दौर की एंट्री तो मैंने आपको दिखा दी है, थोड़ा सा ये यहाँ से ऐसा व्यू है। तो तोरना फोर्ट कैसे बना, तो इसकी एक लंबी स्टोरी है। बट इस गढ़ का नाम आओ साहेब ने रखा था एज एन तोरनागढ़, और ये इसको प्रचंडगढ़ भी कहा जाता है बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट फोर्ट विच वाज बीन कैप्चर्ड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज ड्यूरिंग हिज फोर्ट फाइट विथ मुगल एम्पायर। तो ये सारी जो दीवारें हैं ये बोलते हैं ना, ये उसी टाइम से बनी हुई है। काफ़ी रिस्की है यहाँ से जाना, बट जाएंगे आपको दिखाएंगे यहाँ से हर चीज़, हर एंगल। ये स्टोन्स अभी भी उसी टाइम से बने हुए हैं।
अगर आपको वो टाइम के स्टोन्स पता हो तो। अरे सर ये थोड़ा रिनोवेट किए हुए, ये थोड़े से रिनोवेटेड है हाँ। बट वही टाइम के है, बांध काम वही टाइम का है। जैसे मेरे दोस्त लोग को ये ज़्यादा पता है तो। भाई साहब ट्रिकी है यहाँ पे तक उतरना, बट जाएंगे और आगे। तो अभी तक जी जो भी मैंने वीडियो और जो भी सब दिखाया मैंने, ये अभी सब शुरुआत था। यहाँ पे तोरना देवी का मंदिर भी है जो वही टाइम से बना हुआ है। तो ये फोर्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ था 13th century में और इसको बनाया था शिव पंत ने। और अभी ये एग्जैक्टली आप सामने देख सकते हो वो है मनगई देवी टेम्पल, और इसे तोरना जी टेम्पल भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है, इस फोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1664 में, जब वो 16 साल के थे तब वो जीता था अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, एंड दिस वॉज द फर्स्ट फोर्ट ऑफ मराठा एम्पायर। और ये बहुत ही बड़ा गढ़ है इसीलिए इसे प्रचंडगढ़ भी बोला जाता है, इसका नाम तोरनागढ़ भी है। और इसके अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी है और कहीं टावर्स भी है। हम आ गए हैं कोंकण दरवाज़ा। रेकॉर्डिंग करू शकतो ना, प्रॉब्लेम नाही ना। राजगड तिकडे बुदला माची ओके। जो सामने जो वो बुदला माची है और हमको जाना है यहाँ पे राजगढ़। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और कहाँ तक चलता है ये सफ़र।